हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और टेस्टी पनीर फिंगर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर फिंगर्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है पनीर के टुकड़े। ये वाले पनीर हमने घर पे ही बनाया है। किसी दिन और किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अभी पनीर फिंगर्स बनाना शुरू करते हैं। तो अभी पनीर के टुकड़ों में हम डाल देंगे मसाले। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में डाल देंगे छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अगर आप लोग चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अभी इनको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए हमने पनीर को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अभी इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और तब तक हम एक बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 बड़े चम्मच मैदा। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। और अभी पानी डाल के मीडियम कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना लेंगे। तो देखिए बैटर बिल्कुल तैयार है, इसी कंसिस्टेंसी का बैटर ही चाहिए। अभी एक एक करके पनीर के टुकड़ों को हम बैटर में डिप कर लेंगे। बैटर में डिप करने के बाद अभी इनको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पनीर के टुकड़ों को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए पहले से ही बिठा दिया था। तेल गरम हो गया है। अभी एक एक करके पनीर के टुकड़ों को हम तेल में डालते जाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पहले वाले पनीर फिंगर्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अभी ऐसे ही बाकी के पनीर के टुकड़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और एक बात, अगर आप लोगों को ऐसी और भी कई तरह की स्नैक्स की रेसिपीज़ चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।